इंडियन नेशनल लोकदल की नेता सुनैना चौटाला रविवार को कैथल के गांव खुराना में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए सुनैना चौटाला ने भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार की नीतियों की आलोचना की। सुनैना चौटाला ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा झूठे वादे किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई थी, लेकिन अब फिर इनेलो का परिवार बढ़ना शुरू हो गया है। आइए सुनैना चौटाला की पूरी बाइट सुन लेते हैं। मैं तो भाईचारे का सुख शांति रहे शादी में आई हूँ, बहुत खुशी की बात है। एक हमारे कार्यकर्ता के पास मैं पहुंची हूँ जिन्होंने बड़े मान से मुझे काफी दिन हो गए कि मैं मैडम कार्ड दे के आऊंगा, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आऊँ यहाँ पे शुभकामनाएं दू, उन्हें बधाई दू। मैं ये मानती हूँ जी, कहते हैं ना जी, एक तो अपने कहावत है जैसी संगति वैसे असर आने लग जाते हैं, तो बीजेपी के झूठ का असर शायद उनके ऊपर भी हो गया होगा। उन्होंने कहा तो ये था कि ठेके हटा देंगे, वहीं अब लाइसेंस भी बड़े आसान तरीके से मिल जाएंगे, नौजवान बच्चों के लिए अच्छी बात तो नहीं है। बाकी अब बीजेपी में वो हैं, जिस हिसाब से बीजेपी चलाएगी उस हिसाब से वो चलेंगे। पिछले 5 साल से तो जी हाहाकार मचा हुआ है, हमारे छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, और मेरा महिलाओं का दायरा है तो मैं तो यही कहूंगी कि 150 रुपए और सिलेंडर महंगा कर दिया, चूल्हा चलाना वैसे मुश्किल था, अब सिलेंडर और महंगा कर दिया। तो एक तरीके से ये किसी भी वर्ग में आप देखेंगे, ना केवल महिलाएं, जैसे रसोई के ऊपर तो खर्च बड़ा ही बड़ा है, छोटा दुकानदार, व्यापारी वर्ग, किसान, और जैसे मजदूरी भी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैडम रेप, ये जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देखे, वही झूठ का एक स्लोगन देखे वो लोग आ तो गए, लेकिन ना उन्हें पता बेटियों को कैसे हमें महफूज रखें। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारी बच्चियों के साथ अन्याय होता जा रहा है, बजाय उसके सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, और इन तीनों के लिए कदम ना उठाने के बजाय आप दारू के आप लाइसेंस सस्ते कर रहे हैं, आप उनकी मंजूरी दे रहे हैं। तो वहीं शिक्षा के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर अगर इतना ध्यान दिया जाता तो मेरे हिसाब से हरियाणा की जनता ज्यादा अच्छा महसूस करे। ना केवल क्राइम बढ़ेगा बल्कि बेरोजगारी तो वैसे ही बेरोजगार युवक हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेट होके और ज्यादा ड्रिंक करेगा और ज्यादा नशे की तरफ जाएगा। देखिए जी, मैं हाँ जी बिल्कुल, मैं जहाँ भी जा रही हूँ और जो दादाजी इनसे हमने सीखा है, उन्होंने एक छोटी सी घटना देखी थी कि एक मजदूर औरत अपने बच्चे को पालने में डाल के और मजदूरी कर रही थी और वो बड़ी कमजोर नजर आ रही थी। दादाजी ने सिर्फ रास्ता क्रॉस करते टाइम उन्हें देखा और फिर जच्चा बच्चा की स्कीम लागू कर दी। उसी तरीके से जो हम आज देख रहे हैं कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, मेरे जो बेटियां हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरे साथ की बहनें हैं, उनको इन तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और रोजगार, जैसे महिलाओं को आगे लाके जो उनमें टैलेंट है उसको निखारना, तो ये मेरे 4 उद्देश्य हैं जो मैं सरकार बनने तक और आज से ही अग्रसर उसके ऊपर लगी हुई। मैडम क्या काम? देखिए, मैं एक बात आपको कहूंगी कि झूठ एक कई बार क्या होता है, झूठ ऐसा छा जाता है, जैसे 15 लाख का वादा करके सत्ता में बीजेपी आ गई, उसके बाद हमारे कुछ अपने ही जैसे बीजेपी के खिलाफत करते करते, और बीजेपी की सरकार नहीं बननी थी लेकिन कुछ लोग साथ मिल गए और उन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो मैं तो ये दुर्भाग्य मानूंगी। और रही बात एक सीट की, तो आप विधानसभा में देखेंगे यदि कोई किसानों के लिए, गरीब कमेरे के लिए आवाज उठाता है तो वो एक ही विधायक है, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जो समस्त हरियाणा के मजदूरों की और जो एक मेन मुद्दे है नशे की जो बातें उठाते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि कोई भी एमएलए इस बात के ऊपर नहीं बोलता है क्योंकि सब जाके सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के आगे। तो एक हमारा 90 पे बारी है, 80 पे बारी है, आप उनको कहीं लगा लो। अगर किसानों की आवाज उठाने के लिए अगर सच्ची तरीके से कोई बात रखता है तो INLD के विधायक अभय सिंह जी चौटाला। तो एक देखो जग जाहिर बात है कि हम जहां 65 पार का नारा हम दे रहे होते और हमारा जो वर्कर है वो बहुत दुखी हो गया था। एक हम हरियाणा प्रदेश पूरा एक परिवार है और जब परिवार में जब कोई विघटन होता है तो आत्मा से दुखी हमारा एक एक जो सदस्य था INLD का, एक एक वर्कर था, वो आहत था और वो ये डिसीजन नहीं ले पाए क्या करें कहाँ जाएं, तो ऐसा था। लेकिन कहते हैं कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, बीती ते विसार के आगे की सुधले, और अब इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार मैं जहाँ भी जा रही हूँ बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।